तो एक समय द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण ने मथुरा जी में तो जन्म लियो है और गोकुल में मोटा हुआ और द्वारकापुरी में राज किया और उड़ीसा में जाता जनर दाग पड़ियो। भगवान री लीला है ने अटपटी थी, कटे तो गोकुल मथुरा ने कटे द्वारका ने कटे उड़ीसा। आए मथुरा जी में जन्म लियो, गोकुल में मोटा हुआ, द्वारका में राज किया और सोमनाथ पाटन वेरावल में दे त्यागी ने उड़ीसा में जाता जनर दाग पड़ियो। ये सब भगवान कृष्ण की अटपटी लीला थी। तो है भगवान द्वापर युग रे मैं पांडव रे भेड़ा रमी उड़ा। अरे पांडव भगवान रे भेड़ा रमी उड़ा इन वास्ते जो पांडव ने सीतावारे वास्ते भगवान द्वारकापुरी थी कागज लिखियो हस्तिनापुर रे मैं पांडव ने कागज लिखियो है के पांडव हमें मुंह शरीर वागो पुरो बदलाऊ ने थे हिमालय पर कृष्ण कागज मोकले वासे धर्म राय दुआ जग वीतो पंडवा आई कुल जगरी राय वागा में बदलाव सा थे गड़ो हिमालय पसे घना पछताव सो कारी लगे नी। आए भगवान कृष्ण लिखिए पांडवा जो नी मानी तो पसे पछतावो करो कारी लगे कोई। भगवान कृष्ण रो कागज लिखियोड़ो है और हस्तिनापुर पहुंचाइयो पांडवरा दरबार में। अरे भगवान कृष्ण नो कागज लिखियोड़ो पांडवरा दरबार में पहुंचियो तो पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर पाटवी है तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कागज मिलियो कागज खोले देके नीचे भगवान री सही दस्तखत उड़ा है। पहली तो आप बैठा बैठा आपरे मन में वासियो और फिर जो आप आपरा भाइयों ने बुलाया अर्जुन है भीम है सहदेव नकलू है माजी कुंता है सती द्रौपदी जी ने बुलाया है कह रहे भाई आपने भगवान कृष्ण ने एक कागज लिखियो है जो मुँह वासे थाने सुनाऊ और फिर थारा मनरी पाची मनेरी थाने पाचो की कर लागे जो को मन के जो तो हमें धर्मराज युधिष्ठिर वो भगवान रो लिखी रो कागज वासे ने आपरा भाइयों ने और माजी कुंता ने सती द्रौपदी जी ने सुनावे है कृष्ण कागज मोकड़े वासे धर्मराय दुआ जग वीतो पंडो आई कुल जगरी राय ए भाई भगवान आ लिखी है के दुआ पर रो अंत आयो हमें कलयुग रो जन्म वेवा वालो क्यों के श्यार युग है श्यार युगो ने माए 17,28,000 वर्ष रो सतयुग है सतयुगरी उम्र है सारे युगों में सतयुगरी उम्र ज्यादा है कतरो 17,28,000 वर्ष रो सतयुग है और 12,93,000 वर्ष रो त्रेता युग है 8,64,000 वर्ष रो द्वापर युग है ने 4,32,000 वर्ष रो कलयुग है ए कुल मेलावे ने कतरा हुआ है 43,20,000 वर्ष वे सारे युगों का वर्ष कतरा है 43,20,000 वर्ष वे जब सारे युग पूरा वे एक सौकड़ी वे श्यार युगारी एक सौकड़ी बाजे के कहे थारे श्यार सौकड़ी जो राजे एक सौकड़ी 43,20,000 वर्ष वेदरी एक सौकड़ी में तो है दुआ पर अंत आयो और कलयुग रो जन्म विवाह वालो थो उन टाइम भगवान कृष्ण कागज लिखियो तो कौन बने तो फिर भगवान आ लिखी है के कुलयुग वेशी पंक्तियां वेशी एकाकार राज करी काला कागला तो हंसा करी जुहार राजा प्रजा अधर्मी ने झूठा कर सी जाड़। ये भाई भगवान कृष्ण आले की है के राजा तो करी प्रजा रे माते जाड़ ने प्रजा दे राजा रे माते जाड़ क्योंकि कलयुग रे माए तो यूं जुए सतयुग रे माए मन करो सत्य भाव हता सतयुग रे माए मन करो भाव था ना सत्य भाव था उन्होंने ज्यादा कोई पाठ पूजा के ध्यान के समाधि के सुमरण घनी करवारी जरूरत कौन थी ये तो कण आरू के पाप निवारण करना कपड़ो मेलो वे तो धोवारी जरूरत पड़ेगी। अबे कलयुग में मेला हुआ जरे ज्यादा कर्म करना पड़े कई उपास ने तीर्थ ने व्रत ने ज्यादा करना पड़े जरे बड़े इतना मंदिर ने बीजा ने जितरो उतरो करे जरे ठीक है नीतर तो पे वो तो सपा हर वे ब्रो तो कहे हैं सतयुग में सत्य भाव बतलाया तेता में निज ध्यान ठहराया सतयुग में तो मन करो सत्य भाव था जो कोई कर धर्म के पुण्य उपवास के कोई करवारी जरूरत नहीं थी। सतयुग में सत्य भाव बतलाया तेता में निज ध्यान ठहराया दुआ पर यज्ञ होम बतलाया दुआ पर माया ऋषि मुनि यज्ञ करना हवन करना विधि निकाली दुआ पर यज्ञ होम बतलाया कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर भव उतरो पारा कलयुग रे माए तो कीर्तन भक्ति केवल करवा रो है मन करे कने हिम्मत है बाकी कोई चीज सिद्ध नहीं ले सके क्योंकि सतयुग रे माए तो कही तो
माता सती पुत, माता सती पुत, पिता सती, पुत्र सती, गुरु सती, सेला सती, सती सतव्रता हैं सती व्यवहार था। हमें कलयुग ने माए माता धूता, पिता धूता, पुत्र धूता, गुरु धूता हैं एक एक ने मैं धोखाबाजी करवा रही। माता धूता, पिता धूता, पुत्र धूता, गुरु धूता, सेला धूता, धूते धूत वर्तन था। जो भगवान कृष्ण लिखी है के राजा प्रजा अधर्मी ने झूठा कर सी जाल, जरे पड़ती पड़सी पर्तवी ऊपर वारो वार दुकाल। धर्मराज युधिष्ठ पांडवों ने कहे भाई भगवान कृष्ण तो आ लिखी है, बंदे परणी बहनड़ी बेटी परणे बाप, राजा मारी रेत ने पुन गणे न कोई पाप, जो को रक्षा करने वाला है, जो को रक्षक है जो को भक्षक भी नुबा। मतलब वार सीमड़ा घटना मोड़ी अत्र कागज लिखियोड़ो भगवान रो लिखियोड़ो वासे ने आपरा भाइयों ने सुनाई और जितने भीम है पांडवों में भीम बैठे बैठे मत धूने तो धर्मराज युधिष्ठिर की अरे भीम माता के करे लावे तने बात जसी को नी खे ना मने नी जसी क्यों के मैं अणारी कृष्ण कुरसरी नी मानू अने ओपन ने कटाई हुई जग नहीं खावा दीदी पहला तो कहे के जाओ पांडव में थोड़ा वनवास है 12 वर्ष रो तो वनवास ने 1 वर्ष से अज्ञातवास जिन्हें ज्ञात नहीं वैनी सही जे के पांडव फलानी जगह पर है इन वास्ते जो गुप्त रहना सही जे 12 वर्ष रो वनवास 1 वर्ष रो गुप्तवास अने यूक्रेन ऑफिस सौदे साल की घरे आया ने घरे आया जर के हम भाई थारे युद्ध करनो पड़ी जर हम कैरवर ने अपने युद्ध कराइयो अपना हेंग भाई मराया यही कौम अनोरा कृष्ण रहे ने हमें नीटा नीट फिर थापल पड़िया हमें अतरु जो अपनो मीठो मिलावो रियो है जो ए जाने कहना नहीं हिमालय पर मेलू तो वही राज मारे रो मड़े जो वहां पे आना कृष्ण कूड़सारी मानो कोई आए भीम जी कहे धर्मराज ने कहे थोने ठाकुर ने अनारे तो गाय तो सरावणी कूड़ा कूड़ा गोट का हलावना तो कौम है ने मने आना ने मुंह अच्छी तरह ओड़कू भीम ने ठेठ तेता युग थी तेता युग में राम सुंदर जी रो अवतार यही था वन टाइम समुद्र की मर्यादा तोड़ी भाटोरी पाज बोधी और रामन नो कुल खपाइयो यही कौम अनोराज को मुंह तो अनोरी मानो कोई जरे भगदा जी कहे गुटका हलावे रे गुआली दाके कुबदाए दाव गुटका हलावे रे गुआली दाके कुबदा दाव मीठो मिलावो मार जुदपत बैठे जाए मीठो मिलावो मार जुदपत बैठे जाए दे वन वास सब देवर से बोल वके किया वन वास सब देवर सा बोल सो केर माराया पायो राज मोल सो केर माराया पायो हे राज उड़ा जल खा दिया पतराम मोदी पाज उड़ा जल था दिया पतराम मोदी पाज राणा रमन मेरे मारी सती सितारे काज राणा रमन ने मारी सती सितारे काज जे के गोट का हलावे गुआलियों ने दाके कुछ ना दाव भीम है धर्मराज युधिष्ठिर ने के कृष्ण अनर तो गाया श्रावण कूड़ा कूड़ा गोट का हलावना गोट का हलावे गुआलियों दाके कुछ ना दाव मीठो मिलावो मारने युद्धपत बैठे जाए युद्धपति क्यों कहे कि यादवों ने वहां यादव कुल में अपनों ने जैसे मोटा मोहनी उठा था भगवान कृष्ण ने युद्धपत बैठे जाए तो कहे वके गया वनवास में सबदे वर्षा बोल सो कैरव माराया ने हमें पायो राजमूल अमीज तो थरथा बोल पड़िया क्योंकि पांडवा ने कभी शुक्रो वायरु ही नहीं आयो जो अमीज थोड़ा थरथा बोल पड़िया अबे फिर कहे ऊंडा जला था गया पत्रों बोधी पाज राणा रमन ने मारी और सती सीता रे काज यही कौम अनोरा
जो ऑफिस आज मोदन के काल तो क्यों भीम थे कने मानो यो के हूँ विजरो तो नहीं मानू अपने गुरु महाराज जो दुर्वासा मुनि आवे प्रो के दुर्वासा मुनि प्रो के पांडु हमें दुआ करो अंत आयन कलयुग आवे रियो है अने थाने राज करवार अधिकार नहीं है तो गुरु महाराज री मानू पण बिजारी मानू कोई तो कह रही धर्मराज बोलिया रे भीम गुरु महाराज कटी तीर्थ घाट माते समाधि में वही आए कटी समाधि लगाई उड़ी वही तो कुंता जी कह रहे गुरु महाराज ने बोलावर तरीको तो मने याद है गुरु महाराज मने विधि बताई उड़ी है बुलावारी कहे के कोई दिन मने बुलावनो वे तो जो शौक पूरे और जो साज वाज लेने आराधना करनी कीर्तन कर आराधना कर जो जिते वो जिते मैंने आप इच्छा पड़ी मुथाने दरबार में आप आओ जन टाइम जो कुंता जी गुरु महाराज ने बोला और सती द्रौपदी जी ने ऑर्डर दी दो है सती द्रौपदी जी ने हुक्म की दो है कि अपने गोबर लावे चौको लगावे मोतियों रो शौक पूरो जरे जो कहीं मोतियों रो शौक पूरो पूरी सब सामग्री लावी पुजारी साज बाजरा लावी पांडव आराधना की दिए तो दुर्वासा मुनि आवे पांडव दरबार में त्यार है आप तो बगदा जी कहीं गुरु महाराज की सेवा करे पांडव प्रथम देव बीजा मर्त लोक रा अरे झड़े काया रा पाप गण सतिया रा हवले हालो जुगिरे माय हवले हालो ने मीठा अरे मुक्ति भजो भगवान माला फेरो हरी रा आशा बहुत ही बजाओ ढोलक गावो बजाओ रे करो मोड़ो मंगलासार गावो बजाओ करो यार मोड़ो मंगलासार गरु बजाओ गज मोती भरकन सन रोए थाल गरु बजाओ गज मोती भरकन सन रोए थाल जे हे तुझे पकड़ो ए पाव शोक ढलावो रे शोक तुझे पकड़ो ए पाव पाव धोए पैल लीजी पाप शरीर आए जाए पाव धोए पैल लीजी पाप शरीर आए जाए जद के गावो बजावा करो आरती मोडो मंगला सार गुरु बजावो गज मोती भंस कंसन नो थाल जन टेम पांडवरा दरबार में गुरु दुर्वासा मुनि पधारिया है गावो बजावो करो आरती मोडो मंगला सार गुरु बजावो गज मोती गज मोती कन्ने के हाथी रा माता में जद मोती पाके हाथी उम्र में परिपक्वे नी जितनी वने हाथी री उम्र वे वनती ज्यादा उम्र ती ज्यादा जीवे जरे वन माता में हाथी रे गज गज नाम हाथी रे वन माता में मोती पैदा करे मरग वे नी हरण पुराणो वे जरे वन नाभी में किस्तूरी वे जद के गावो बजावो करो आरती मोड़ो मंगला सार अरे गुरु बजावो गज मोती है भर कंसन रो था शौक ढड़ावो सौटे दूधे पकाड़ो पाव पाव धोई ने पायल लीजिए तो पाव शरीर ही जाए जन टाइम पांडव दरबार में गुरु पधारे गुरु महाराज की सेवा में लगुड़ा है अटिने आवता माजी कुंता जी हाथ जोड़े गुरु महाराज ने कहो महाराज आप पहली रसोई रो हुकम दे रहा हो आपके वास्ते रसोई तैयार हुए गुरु महाराज कहो आज सती रसोई नहीं जीमा रसोई की बात पसे क्यों क्यों कहूं है पांडवा ने जा रहे कुंता जी ने जसी है कि मारे कोई घर में ऐसा पाप है क्योंकि जन घर में संत रसोई जो ना दिए नहीं प्रसाद नहीं पावे तो हम जिन को अपने माते कोई पाप सड़ी उड़ो या भाव घटी उड़ाए संत रो भाव भगत रे संत रे वास्ते भाव ही करो भाव घट जाए ने तो वे संत समझे कि ये मुर्दा हो गया है उन भाविक ने कह हम जो मुर्दा रे समान साधु सिंह का एक मता पर मारियो नहीं खाए भाव घटिया मुर्दा भया ता घर संत नहीं जाए
सिंह बोले तीन दिन रो भूखो हुए तो बिजारी शिकार शिकार की जोड़ी बनने कौन में नहीं आती, वो आते ही शिकार करे। तो साधु तो आप रो भजन करे ने भजन रा प्रताप थी हमला रा आज हृदय ने घायल करे, मतलब न मन ने पिंगला वे पसे उन्नी सेवा दिए। साधु सिंह का एक मता पर मारियो नहीं खाए, भाव घटिया मुर्दा भैया ता घर संत नहीं जाए। तो मैं जट दुर्वासा मुनि कह सती आज भोजन नहीं प्रसाद रो हुकुम नहीं करू। क्यों महाराज ऐसो कोई मार माते पाप है के नहीं? तो मारे आज पांडव ने कौन बढ़ावनो है, पांडव जो मारी बात राखे तो मु प्रसाद री बात करू। महाराज ऐसी क्यों भ्रांति, आप कोई दिन पांडव आपरा वसन रो उल्लंघन नहीं करे क्या? आज मैंने विश्वास नहीं है कि पांडव मारी बात रखे। तो महाराज है कहीं ऐसी बात? तो कहे पांडव हिमालय गलवार जवार हूं करो दिए तो मुंह बीजी बात करो प्रसाद री बात पाओ। के भीम बोलिए हुआ महाराज मुहम जी ब्रो के थे ने कृष्ण ने दूसरे धर्मराज ने तीन एक बोर्ड हमें मौन करो कोई माजी कुंता जी कह रहे भीम तू कन्नी मौनी है के हमें तो मन बदारी नहीं मौनू तो कन्नी हमें तो कलयुग नजरे देखू तो बात हसी। गुरु महाराज कह रहे भाई कलयुग रो जन्म जी वेणो है, सतयुग रो जन्म हुआ है काती शुद्ध दशम ने। आ काती शुद्ध जत्री दशम आवे नी बारे बारे महीने वा पुण्य तथी वंदन मन करो पुण्य कीदोड़ो कदे निष्फल नहीं जाए। काती मीनारी अजवाली दशम आवे वंदाड़े जो मन पुण्य करे नी तो वो पुण्य वने दस गुणो मळो हजार गुणो मळो पण वो पुण्य कीदोड़ो निष्फल नहीं जातो है, क्योंकि वा पुण्य तथी है। काती शुद्ध दशम रे दने जो कोनो सतयुग रो जन्म गुड़ो है, और वैसाख शुद्ध तीज ने जन आका तीज मोन वंदन तेता युग रो जन्म गुड़ो है। मना भाई पुण्य तथी आका तीज रदन कीदोड़ो पुण्य कीदोड़ो कदी निष्फल नहीं जाए। और माँ मीनारी अमावस रो द्वापर युग रो जन्म गुड़ो है। माँ मीनारी अमावस है, माँ मीनारी अमावस रदन पुण्य करनो सही जे वा पुण्य तथी है, वंदन पुण्य कीदोड़ो कदी मन करो निष्फल नहीं जाए। तो है कह गुरु महाराज के भाई पांडव कलयुग रो तो जे जन्म वेणो है पण मु थाने कलयुग रा चरित्र बताऊं। अगर भीम नहीं माने के भाई मु तो कलयुग नजरे देखूं तो बात मानू, तो कलयुग रा जन्म तो वेणो है पण मु थाने कलयुग रा चरित्र बताऊं कि कलयुग में केड़ा चरित्र भी है। तो के महाराज हां बलि बताओ पण मु कलयुग देखिया सवा भीम के मुंह नहीं मानू। तो पहली गुरु महाराज धर्मराज दूसरे ने कियो का जाओ बाजार में जो थाने कलयुग रा चरित्र पर आवे। गुरु महाराज री आज्ञा थी धर्मराज दूसरे बगदा जी बाजार में गया है तो हसनापुर रो बाजार नहीं देखी जन कोई दूजे गांव दिए। राजा दूसरे जेतल जी विचार कीधो रे हसनापुर रो बाजार नहीं बीजो गांव है अने गांव रा धणी ने सोर भेड़ा लूटेरा करे जनी कोई वार ने कोई फरियाद। तो आत्मने बाजार गया है तो वटी बीजो गांव देखी जन वन गांव रा धणी ने सोर भेड़ा लूटेरा करे। धर्मराज फरीन पास आया गुरु महाराज पूछियो को धर्मराज का रसना देखी कि महाराज आज की अजोग बात देखी है। तो धर्मराज दूसरे गुरु महाराज ने कहे भ्रमहंसी राजा धन जितल देखे जाए, भ्रमहंसी राजा धन जितल देखे जाए, राजा सोमल सुर लूटे लूटे धन खाए, राजा सोमल सुर लूटे लूटे धन खाए। जितल नजरे रे जो बता देखी एक दुकान, जेतल नजरे रे जो बता देखी एक दुकान, ले जावे धन लूटा दुई दसानी दान, ले जावे धन लूटा दुई दसानी दान। हरे
धर्म अंश राजा धनी जेतल देखे जाए राजा सोमल सोरटावे लूटी लूटी धन खाए। जेतल नजरे जोवता देखी एक दुकान ले जावे धन लूटिया दो ही दिशा निदान निदान कहता नजरों के देखी कौने होनी ओड़ी झूठी वे पर नजरे देखी फस राम कबू ने झूठी हो। धर्मराज कह रहे मैं नजरों देख न आयो उगमने आत्मने बाजार बेई पड़े गियो तो बटे सोर ने धनी भेड़ा लूटी रा कर तो दर गुरु महाराज कहे भाई ये कलयुग रा पांडव शरीत रहे कि महाराज यूं कह भाई कलयुग तो एड़ो जवे। धर्मराज कह रहे भगवान मने एड़ो कलयुग नहीं बतावे मारे तो राज करनो कोई। अबे गुरु महाराज जो है अर्जुन जी ने कौम बढ़ायो जाओ अर्जुन आ मारो डोर लोटो है मारी जारी लेन जाओ कुआ माता ते हिंचे भरी लेन आओ रहा। अर्जुन जी गुरु महाराज रा डोर लोटो लेन कुआ ऊपर गया है एक कुआ तो बगदा जी बेटे हाथ कुआ देखी जे अर्जुन करे कई बार आऊ वो एक कुओ तो हाथ की करे पर माते जाए उबा रिया है एक कुओ उपने पर कोरे कोरे सता जो को सही बरा भरोना अने पासा संपत्ति करे ने स कुआ उपने एक आया अपने एक ही भरोना कोई अर्जुन जी बड़ा अफसोस में पड़िया है। अरे बात झारी पी भरे दरबार में आवे गुरु महाराज आगे झारी राखी है फिर पूछे रे को अर्जुन का रसना देखी महाराज आज की तो अजोग बात है तो के एक कुआ तो जिते मैं हाथ कुआ देखी एक कुआ उपने सपरा भरोना सब उपने एक ही नहीं भरोना। अर्जुन शायर ऊपरा जो नर उबा जाए एक कुआ आर्मी और साथ ही दिया भराए सात कुआ कर संपत्ति उलट समाया आए एक रियो उनारती हो मारे सन्मुख देखी जाए। महाराज मैं नजरों देखी नहीं हूँ कौन अर्जुन जी के हे भाई मुंह छाए वे कलयुग रे सरित्र है पर महाराज यू की कर कलयुग में की कर भाई के भाई कलयुग रे मैं माई तो पहुंच के हाथ बेटा वे और माई तो बिली घर हो रो हाल तो वे के दोरो हाल तो वे पर उन बच्चों ने दोरा नहीं करे उन्होंने पालन करीन पहुंच हाथ बेटा वे थे पालन करीन उन्होंने दुख दुख सुख करीन देखी ने मोटा करी पर माई तोरी हालत था कि जर कलयुग रे मैं बेटा माई तोरी मंदरी उनार पूरी करे कोई मन में बहुत दुखी रही सता बेटा वेता सता कलयुग रे मैं माई ती दुखी रही। बगदा जी एक कोई ठीक है छोटा घराना रो आदमी तो उन्हें एक बेटो तो जो मैंने बड़ी कोशिश करे और जो उन्हें बेटा ने पढ़ाई हो तो वो अफसर हुआ बड़ो अफसर हुआ कोई कलेक्टर के थानेदार वो अफसर हुआ जो मैंने मन में हरम आवे गिरे आवे जर बाप ने धोतियों पोतियों वाला देखे जर मैंने हरम आवे कि यार कोई यार दोस्त आवे तो ये कहना गए कि बाप हाव जर एक दाड़ू मैंने जसी है बाजार में थी आता तक वो जाता हूँ नौकरी ऊपर ऑफिस थी आते तक दुकान है कपड़ा की दुकान में 10 मीटर कपड़ो ली दो 10 मीटर कपड़ो लेने घरे आवे बाप ने कहे लो भाई जी पिताजी के क्यों के ओ थारे हमें हितरवरी उम्र हुई है हमें हितरवरी उम्र हुई है थारे वानप्रस्थ अवस्था आई है हम थान वन में जाए तपस्या करनी चाहिए जो आ थारे सादर 10 मीटर जाओ मैं जाओ वन तपस्या करो दूकरे विचार किधर वैराग नहीं बीजो नहीं की कर जाऊं वैराग तो भेज जाऊं अरे यू की करके वैराग वो के बली मती वो हमें थोड़े वान पर अवस्था है हम जानो सही जी पर देखिए हमें वो ये तो हम देखो जर मन डोकरे 10 मीटर कपड़ो लेने आधे टाउन फाड़ियो फाड़ी पर बे टकड़ा करें 5 मीटर बेटा ने पास दी दो के ना ना वो कहे के हैंग 5 मीटर वो कहे के ना थारे भाई बाप ने कहे हैंग थोड़े 10 मीटर अरे के मार तो भाई वन में जानो 5 मीटर गणो वो 5 मीटर थारे पास ले अरे के मुंह वो लेन जाओ हैंग थारे बने क्यों के मुंह ठीक कहूं तू तो मारे सपूत बेटो जो मैंने वाल लावीन दी दो थारे आ उम्र भी थारे बेटा थन लावीन कौन दिए जो को मुंह देन जाओ के यू क्यों के भाई वही तो चेरे तो क्यों अरे मुंह तो सेवा करू जावा नहीं दो तो है गुरु महाराज दुर्वासा मुनि की ओर अर्जुन कलयुग रहे सरित्र है के पांच सात बेटा वे तो दुख सुख देके निवणो रो पालन करी पण माई तोरी हालत था कि जर कलयुग रे माय बेटा माई तोरी मंदरी उणार पूरी करे कोई। अर्जुन शायर ऊपरा जो ने उबा जाए एक कुआ आर्मी सात दिया भराए सात कुआ कर संपत्ति उलट समाया आए एक रियो उणारती हमारे सन्मुख देखी जाए। तो अभी गुरु महाराज है अर्जुन जी कहे गुरु महाराज ने कि महाराज मारे राज करनो कुंदन भाइयों ने सही तो राज करे ओपी तो हिमालय पर अबे है सहदेव जी ने कौम बढ़ाई है सहदेव जी ने कौम बढ़ाई जाओ सहदेव
हे तलावरी पाल माते जाइन उबा रेजो थाने कलयुग रा श्री त्रिपुरा देखी जी। तो बगदाजी जेठ वैशाख दिन था माते मध्यान बेपार आयोड़ी है बहुत तावड़ो तपियोड़ो है अरसे देव जी जाइन तलावरी पाल माते उबा रिया। तो पाल ले नीचे मार्ग वेतो मार्ग वेतोड़ो एक पंथी आवे आदमी आवे मार्ग वेतोड़ो उन्हें खवा माते लुगाई बैठी है हाथ में पानी जो लोटो है और वेतो वेतो लोटो ऊंचो दिए के वाले गोदड़ो हुकी जे नहीं लारे एक डोकरी आका करे पण उन्हें आपड़वा दिए कोई सहदेव जी कह रहे आड़े पाड़े नेड़ो आवे तो मुने पूछू हे कौन ने तेने खवा माते आ कौन है पण बगदा जी नजीक आयो है कि वे डोकरी ने वे तो हिंग गायब भी गया सहदेव जो सिरे सालिया ओगटे घाटे धान सहदेव जो सिरे सालिया ओगटे घाटे धान तपे वैसा करे तावड़ो कायर सोड़े प्राण तपे वैसा करे तावड़ो कायर सोड़े प्राण दे आवत देखियो नारी पुरुष निशांत पंथी आवत देखियो नारी पुरुष निशांत वाटवे जल पावतो पाले सेवक प्रीत वाटवे जल पावतो पाले सेवक प्रीत जे भगती माता रे पूत ने दागे हिणो दाव भगती माता रे पूत ने दागे हिणो दाव तरे मरे थारी मावड़ी मासुत पाणी पाव तरे मरे थारी मावड़ी मासुत पाणी पाव जे डाकण सोंबळी ढोकरी जीवे किण जीवे किणवीने जाए ओदी धोड़ उतावड़ी आवे सके तोरे आवे ओदी धोड़ उतावड़ी आवे सके तोरे आवे जे हे हां साहब अरे वाह वाह गुरु महाराज ने इंद्र से भी ज्यादा उपमा दी है। हमा इंद्र तो सब जीवारो भरण पोषण इंद्र थी वे पण गुरु ने तो इंद्र से भी ज्यादा उपमा दी है। सतगुरु इंद्र अपारा वर्षे अमीर से धारा पण विवेक बीज विस्तारा हमला में विवेक वे तो गुरु महाराज तो ज्ञान री घटा लेन आवे है और माते अमृत रो वरसाद करे है शब्दों रो जड़ लगावे है पण हमें पछे तालर वे नी खारस पे तो पटी वर्षी उड़ी कोमे नहीं आवे अगर है तो विवेक बीज विस्तारा तो विस्तार ऐसो वे जो वो खुद है विस्तार है मतलब गुरु महाराज चेलो जो इंद्र गाजे जी गाजी नो मोड़े वो इंद्र गाजे जरे समुद्र ने री आवे गाजन सही जी मतलब चेला एडो जो विस्तार करे ज्ञान रो तो वो गए गुरु महाराज इंद्र गए जो गुरु महाराज रा प्रताप इंद्र गाजे जी गाजी नो मोड़े बगदा जी अन संसार में दो जना एड़ा है कि हमेशा अपने करते उन्हें हवाईयो बनावारी कोशिश करे एक तो पिता एक गुरु ये बे जना हमेशा आपती हवाईयो बनावारी पिता भी पुत्र ने हवाईयो बनावारी कोशिश करी बीजा संसार में हैंगे आपती नीचो राखवारी कोशिश करी कोई भी सगा संबंधी कोई है वे हमेशा कतरो ही प्रेम भाई तो वे समझे कि माती बे कणो नीसो रहे तो ठीक हुए ये बे जना ही संसार में एड़े एक तो गुरु ने एक पिता गुरु ने भी हरदमा लागू एक सेलो माँ करती हवाईयो वे तो ठीक हुए और बाप ने भी वो वे एक पुत्र मारे करती हवाईयो वे तो दो जनों रेड़ी लगनी बुआ करे जब वो इंद्र गाजे है जब समुद्र ने री आवे समुद्र कह रहे पानी तो थाने मुंह पूरू मारे ऊपर आवे करे हाजलू ऊपर गाज करे फिर वो इंद्र कह रहे गाजू तो मारा बढ़ती गाजू
સમુદ્ર ને કહે થારો પાણી ખારો જયારે મારે જનાવર સોસ નહીં ડૂબોવે, પણ મારે કને એડા ફિલ્ટર એડા મશીન લાગોડ્યા છે, હું અમૃત કરીને પાછો વરસા હું જણ બળતી ગાજુ. હું સહદેવ જોશી સાલિયા ઓગટ ગાઢવો ધાન, તપે વેસાગા તાવડો કાહેર સોડે પ્રાણ, પંતી આવત દેખ્યો નારી પુરુષ નિસંત, વાટ વે જળ પાવતો પાળે સેવક પ્રીત, જાણે કોઈ નોકર વેજી. આ પગતી માતા પૂતને દાકે હીણો દાવ, અરે તરે મરે થારી માવડી માસું તો પાણી પાવ. સુત કરને કે બેટા ને કે તરે મરે થારી માવડી માસું તો પાણી પાવ. અરે ડાકણ સાંભળ ડોકરી બોકે કે અજે તું ક્યુ જીવે હે, તું મરે કોની. ડાકણ સાંભળ ડોકરી જીવે કેણ વિધ જાય, આંધી ધોળ ઉતાવળી આવે શકે તો આપણે તો પાણી પાવું. નજી ગાય કે આળ માળ મે ચેદેવજી દરબાર મેં ગયા, ગુરુ મહારાજ પૂછે કો સહદેવ મહારાજ અજોક બાત દેખી, એક આદમી માર્ગ વહેતો આવે ખવા માટે લુગાઈ હતી, બાવન ને બેન થી બેઠી હતી કે ના ભાઈ બાવન ગર્દણી હતી. અરે મહારાજ યુ કયું કે ભાઈ કલયુગ રે માય, કલયુગ હે જને હે જો ઘર રાખણો તો થોડું મોં નહી રાખણું પડે. જદે કે મહારાજ એસો કુલયુગ વે ને લારે આગા કરતી હતી વાઘ વાવણ ની માં થી. અરે રામ રામ. સહદેવજી કે એડો કુલયુગ વે તો ભગવાન મને નહીં દેખાવે, ભાઈઓ રે સહી જાય તો રાજ કરે, હું તો હિમાલય પ્રો. અબે ગુરુ મહારાજ ભીમ ને કોમ ભળાયો હે, જાઓ ભીમો રૂમાલ લેને. ગુરુ મહારાજ એક રૂમાલ દીધો, રૂમાલ લઈને બજાર માં જાઓ લીલોતરી સાગ આવ્યો હોય તો લઈને આવો. તો ભીમે જો ઉગમણે દરવા ઉગમણે બજાર ગયા, અરે પૂરબ દિશા ને ઉગમણે બજાર જાય અટે કોઈ માળી અટે કોઈ ઓડા વાળા યુ કરતો કરતા ઉગમણે સરે પોળ બજાર દરવાજે બારે નીકળ્યા. તો ગુરુ મહારાજ આગે એક અંશિયા રૂપી વાડી તૈયાર કીધી. ભીમ કરે એટલે તો વગીશો નહીં તો ના વાડી કટો હોય. આ તો કઈ ગુરુ મહારાજ અંશિયા રૂપી વાડી તૈયાર કીધી. હવે ભીમ માય ફરે મન સાવે જેડા ફળ સેટા હે, ફળ ગણાયે પણ ભાઈ માળી બીજો નહીં હે. ભીમ કરે વગર પૂછીએ તોડો તો સત હીણ પ્રાવો. જયારે ભીમ જેબ મેં હાથ નાખ્યો દુ મારો હતી બગદાજી બે હોનારી મોરા મેલે પ્રી દરકતરે નીચે ભાઈ માળી પોણી પાવા આવી દરકત ને પ્રી મળી મોરા મેલે દો ફળ તોડ્યા રૂમાલ રે પલે બોદે ભીમ રવાને ઉગાય. તો ભીમરા બે નામ હતા, ભીમ કહેતા વિકોદર. વિકોદર ભીમ ને કી કહેતા ભીમ રો ઉદર પેટ મોટો હતો, વિકો ઉદર ઉદર કે પેટ નહી. તો મન મેં હાથરે માં ફળ બોધી વડે રૂમાલ રે પલે વહેતા વહેતા મંદર માં ઉમંગ આવી રહી ભીમ ને કે આજ તો જઈને સતી દ્રૌપદીજી ને દઉં છું. મહારાજ રે વાસ્તે તરત રો તોડીયો લીલોતરી સાગ હાથે આવ્યો હે, જો નાના પ્રકાર ના ભોજન બનાવી ઓર મહારાજ રે વાસ્તે નાના નિવેદન ધરાવું ઓર ગુરુ મહારાજ ને ચિત્રે ભોજન જીમાવો. અહીં ભીમ મન મેં વેજે વિચાર કરતા કરતા દરબાર મેં પહોંચ્યા હે, જત્રે તો લારે માળી હે માતા ધૂળ ગાલતો. પાંડવ પ્રથમ દેવી બીજા મરતો લો ખરા, અરે જડે કાયા રા પાપ ગણ કૃષ્ણ જીરા. દરવાજે પૂરબ દિશા પંડવા પરવેશ, દરવાજે પૂરબ દિશા પંડવા પરવેશ, અંશિયા વાળી રે ઉપના માળી નહી મન મેં, અંશિયા વાળી રે ઉપના માળી નહી મન મેં. સુંદર ફળ દો તોડિયા પૂરણ મોર પુરા, સુંદર ફળ દો તોડિયા પૂરણ મોર પુરા. જે વિકોદર ફળ લેવું ઉપજો મન ભરે ઉમેદ, વિકોદર ફળ લેવું ઉપજો મન ભરે ઉમેદ, સાગ જીમાવું સારણ નાના ધરું નિવેદ, સાગ જીમાવું રે સારણ નાના ધરું નિવેદ. જે
भूषण अद्भूत कलर माली रे पूतिया भूषण अद्भूत दोए बेटा रे सतरा दो बेटा थे मारिया पंडव सतरा पूत जे हे आजे पूर्व दशा पंडव हुआ प्रवेश अंशिया वाड़ी उपनी मैं माली ने मन मेस बीमे एलो पाड़ियो माली ने मन मोय सुंदर फल दो तोड़िया पूर्ण मोर पूरा जतरा फल तोड़िया जितरी मोर अमे विकोदर फल ले हुआ आलिया पछा शेर बाजार में विकोदर फल ले हुआ उपजियो मन भर उम्मीद साग जिमा मु सारणा में नाना धरू निवेद गुरु महाराज वास्ते नाना प्रकार निवेदन धराऊ जतरे कलहल मारी कुकियो भूषण अद्भुत दो बेटा मारिया थी पंडित सतरा पूत जदे गुरु महाराज बोलिया अरे भीम पापी थू लारे कान कूक लेना आयो खे भीम ऊंचो हाथ करी रूमाल ने गुरु महाराज ने बतावे खे महाराज इसी कूके दो मोरा मिले दो फल लाई आए ऊंचो हाथ की दो उनके रूमाल में टप टप खून टपे अरे भीम करे आकड़ी बलाए नीचे मेले रूमाल री गांठ खोली के बेई सोकरो रमाता है भीम रो शरीर कंपा लागो है अरे गुरु महाराज तो ना दिए पण जाता तक गुरु महाराज री चरण पकड़ी महाराज ओ क्यों मैं दो मारा मेले दो फल लाया ने सोकरो रमाता की करू है अरे भीम कलयुग का सरित्र बताया कलयुग में तो एड़ा भाई सरित्र है केड़ो आदमी सावधान है केड़ो है जो अंसाबी आदमी है केड़ो सीधे रस्ते वेवा वालो है पण सीधे रस्ते वही तो बीजा वेवा नहीं दिए खे वन जुग में थू यू क्यों मतलब एक टंगिया मलक रे माए कोई बेई पगों वाला जाए तो वन लारी ज पड़े मने जगो जगो का भाई कलयुग रे माए तो है सीधे रस्ते वेवा वालो वे तो उनने माते एड़ा एड़ा गुटका आवी जको पसो उनने पगी वेणी मुश्किल वे आए पाछे पग हंबालनो मुश्किल वे जे तो कह रे तीन भागा तलाक समय ऊपर जल भीम करे ने भाईया ने सही तो राज करे ओपे तो हिमालय पर जा एड़ो कलजिक वे तो गुरु महाराज मने बतावे कोई अबे है गुरु महाराज है आर नकलू है छोटा भाई नकलू ने कहो जाओ थे गांव रे सौटे थाने कलयुग रे चरित्र पूरा देखी जी अबे बगदा जी गुरु महाराज रा हुकुम थी नकलू गांव रे सौटे गया है तो कलयुग रे चरित्र वे है नरपत सालियो नरके न्याव नरेश नकलो नरपत सालियो नरके न्याव नरेश धैन बसाने रे धावता उपजो मन भर खेद धैन बसाने रे धावता उपजो मन भर खेद जे देखी धैन ने धावता संसित वो शरीर देखी ध्यान नहीं धावता संसित वो शरीर कवर रोमन कॉपियो धरे नमन में धीर कवर रोमन कॉपियो धरे नमन में धीरो जे नकलो नरपत सालियो नरके न्याव नरेश धैन बसा ने धावते उपजियो मन पर खेद नकलू गांव रे चौटे गया है तो एक गाय उबी वासोड़िया ने सूंगे है अरे वासोड़ियो गाय ने हदी सूंगे पण वा गा वासोड़िया ने धावे जदे जो कवर रो मन कोपियो रे ओ की करे पासा दरबार में आया गुरु महाराज चरण में आवे हाथ जोड़ी नकलू के महाराज आज की जो बात देखी है गाय वासोड़ी तो गाय ने हदीस दावे पण आज मैं गा वासोड़िया ने सूंघती देखी क्यों रे कवर है कलयुग रा चरित्र है पण महाराज की कर मारी कोई समझ में नहीं आई कह रहे भाई कलयुग रे माए मनक बेटी रो पैसो लेने आप माई गुजरण करी के पांचो पांडव ने सती द्रौपदी माजी कुत्ताजी कोनो रे आड़ा हाथी देने ओखो बंद की दी है अरे राम राम बेटी रो पैसो क्या हाँ भाई कलयुग में बेटी रो पैसो लेना आप घर सलाओ इस घर सलाओ करी
तो पांच सौ हाथ जी फैलावे गई गुरु महाराज एडो कलयुग में जो बेटी तो पैसो घर में आवा दी एडो कलयुग में तो भगवान माने बतावे कोई अबे हैं बगदा जी जिद के नकलो नरपत सालियो नर के नियाव नरेश धैन बसाने धावता उपजियो मन भर खेद देखी धैन ने धावता संचित हुआ शरीर कवर रो मन कॉपियो भी धरे ने मन में धीर बगदा जी अवे माजी कुंता जी क्षति द्रौपदी जी ने गुरु महाराज कह रहे थे जनाना हरदार इज्जतदार जमारो बारे कट जाओ अपना अपना महल में जाइल आसन पुरो लगावी पागोटी परी लगावे और गुरु महाराज की मूर्ति है जो हृदय में धारण परी करे और आंखों बंद कर ध्यान कर जो थाने कलयुग रा चरित्र रोटी तरह देखी तो कुंता जी रा महल में गया है द्रौपदी रा महल में गया है अबे गुरु महाराज की मूर्ति रो ध्यान करनो मोड़ियो है तो कुंता जी ने जागता बैठा है जो आंखों बंद की दौड़ी ने एक अपना रूपी अपनो देखी जे काशी कोकड़ी रो धागो है तारा त्राग है जो आकाश ने पृथ्वी उसमें लागूड़ो है धागे जो पहाड़ रा पहाड़ ऊंचा जाए नीचे आवे मोटा मोटा गड़ा नीचे आवे छोटा छोटा कोपरिया ऊंचा जाए रिया है एक अजबो मन करो मेलो देखीजे जिनने माए जो पूरा मन करो नक्शो एक बेरो देखीजे आए लाख करोड़ नी अजबो मन करो मेला रे मैं एक बेरा जो पूरा मन करो नक्शो देखीजे बाकी है खंड बंड देखीजे जैसे शरीर मन करो तो मूडो हरण रो है ये है खंड बंड देखीजे पूरा मन करो आई कार तो एक बेरो देखीजे तो कुंता जी ध्यान सुनी गुरु महाराज ने आवेन के एक महाराज मने ऐसो अपनो आयो है केड़ो कुंता अपनो रे हाजियो सूरत सड़ी असमान कुंता अपनो रे हाजी सूरत सड़ी असमान काशा तोतन तार से पाड़ सड़े असमान काशा तोतन तार से पाड़ सड़े असमान जे नरलाखों में नहीं मरे करोड़ों में मिले निको नरलाखों में नहीं मरे करोड़ों में मिले निको अड़ब खड़ब भेला हुआ देव दृष्टि एक दो अड़ब खड़ब भेला हुआ देव दृष्टि एक दो ये अरे श्या कूता हपनो हाजी अन सूरत सड़ी आसमान ए काशा तोतन तार से पार सड़ी आसमान नर लाखों में नहीं मिले करोड़ों में मिले नहीं कोई अड़ब खड़ब भेड़ा हुआ बटे देव दृष्टि एक दो है बत्ती लकड़ा देवता रूपी मनक तो एक के दो लादे के भाई कलयुग में तो कुंता जी ने कहे गुरु महाराज के कलयुग में तो यूं जुए क्योंकि मनुष्य तो घना ही मन करो रुआ नक्शो तो वही पण कई जना मैं पशु लक्षण भी जाए अब द्रौपदी जी अपने महल में जाए जो ध्यान की दो है तो द्रौपदी जी ध्यान में बैठा है जो सपनों जो सपनों देखी जे कहो एक ब्राह्मणारी ब्रह्मपुरी ढोनी देखी जे पसा पसी ग्ररी ढोनी है सब एक ही गोत्र रहा हैं एक दादे पोतरा जो वन गति जौन सड़ी वन गर जाए वन गति जौन सड़ी वन गर जाए जद के है कलजग देखण कारणे धरियो ध्रुपद ध्यान कलजग देखण कारणे धरियो ध्रुपद ध्यान व्यावर सोनो रे मेर से मिले बुआ मिजे मान व्यावर सोनो रे मेर से मिले बुआ मिजे मान जे सभी एक टो सगला एक सार कुटुम हुओ सब एक सगला एक सार बंधव परने रे बेनड़ी बेटी परने बाप बंधव परने बेटी परने बाप जे कलयुग
દેખણ કારણે ધર્યો દ્રૌપદી ધ્યાન વ્યાવ રસાણ મેરસે મેળે ઉવા મિજમાન કુટુંબ ઉવો સબ એકટો સગલા એકણ સાર આ બંધ પરણે બેનડી બેટી પરણે બાપ સપના મેં દેખી જાય જટે શરીર ધ્રુજવા લાગો દ્રૌપદીજી ગુરુ મહારાજ રે આગે હાજર ઉભા હે મહારાજ પૂછ્યો કો સતી કાવ રસના દેખી મહારાજ આજ કી તો અજોગ વાત હે એક બ્રહ્મપુરી ઢોણી દેખી જાય જન્મે એક જ કુટુંબરા એક જ ગોત્રરા ને અમી અમી જાન છડી ને પરણવા જાય તો કે સતી એ કલયુગ ના ચરિત્ર હે મહારાજ આ વાત તો જસ્તી નહીં કહે રે થાને ઠાકોર કહું કહે કે કોઈ કોને વો તું કઈ કે ની કમાડી ફેર નહીં જદે પાંચે પાંડવ સતી દ્રૌપદીજી માજી કુંતાજી કહે મહારાજ એસો કલયુગ તો મેં રવાને પરા પણ આ પહેલી મને રસોઈ નો હુકમ દો મેં આપણે વાસ્તે ભોજન બનાવવા ગુરુ મહારાજ કહે રે પાંડવા અમે મુનિ જીમુ ક્યું કે પહેલા તો તે જો ભીમ જો હાર ની લીધી વેતી તો ભલે થોડા દિન પછે જાત તો કોઈ કોને ને અમે થી એક જો થોડા ખજાના રો થોડા કોટાર રો અન્નપુરો ખાધો તો પછી થોડી હિમાલય જેવી જે કોઈ કે કલયુગરા ભીમ હટ લેવાથી થાને કલયુગરા ચરિત્ર દેખાય કળુરી સાયા પડીએ અબ થી થારા કોટા રો અન્ન ખાધે તો પછી થાતે હિમાલય નહીં જીવી જાય ને થાને જીમવા દઉં ને થેપરા જીમા હું એકલો થે નહીં જીમો તો હું એકલો પણ જીમું નહીં હવે તો ઉભા અણ પગતી પાંડવા રવાને વેજાવ પહેરવારા કપડા પહેરીને રવાને વેજાવ તો ઠીક હે હા નહીતર પછી આ હિમાળો હાથે જેલે કોઈ પંડવા છોડો મંદિર ને માળિયા બેઠક ને દરબાર આસના પર છોડો અમે તો ધણી મળે નિરાધાર પંડવા છોડો મંદિર ને માળિયા બેઠક ને દરબાર એ આસના પર છોડો તો અમે તો ધણી મળે નિરાધાર તો કે મહારાજ એ ઉભા જન પગે રહો ને તો કે થી થારે રસ્તે જાઉ હું મારે રસ્તે જાઉ ઉન ટાઈમ બગદાજી પાંડવા આંખ માં આંસુ આયા દિલગીર ગયા હે તો ગુરુ મહારાજ કે પણ અત્રો થાને મોહ જે થાઉ હિમાલય પૂજે વિજે થાને અત્રો રાજ પાટ રોગ ધન માલ રોગ શરીર રો થાને મોહ હે તો થાઉ જવી જે કોઈ તો પાંડવ હાથ જોડે કે ગુરુ મહારાજ ના તો મને ધન માં રાજ પાટ રો મોહ હે ના અન શરીર રો મોહ ના કોઈ ધન માયા રો મોહ હે મને દિલગીરી યુ આઈએ કે આપરા મને દર્શન પાસા કદી વે આજ ઓમ પે બીચડા પાસા આપરા દર્શન કટેવી જણ વાસ્તે મને આંસુ આઈએ ગુરુ મહારાજ કહે પણ ચિંતા કરવાની જરૂરત નહીં હે આપે આજો હે પાછા ભેળા વૈયા લેકારા જીવ લેકે લાગ મહારાજ કદી વૈયા ને કટે વૈયા હોય તો વાત તો કહે પણ કલયુગ ઉથા પે સતયુગ થા પણ ઊંડ ના પે ભેળાવા તો ગુરુ મહારાજ કે દેખો પાંડવ કે આપ કટે ભેળાવા જો હું તને ઈશારો બતાવું પાલી છે પંદરે મંડો વર્ષે એકવીસ સોજ તું ઉપર સાતે જટે મળે જગદીશ પાલીતી હે પંદરે ગૌ હોજતી હે હાથ ગૌ ને મંડોવરતી હે એકવીસ ગૌ ઉણ ગામ આપી હેંગ ભેળા જેતે બિલાડો હે બિલાડો જો પાલીતી પંદરે ને મંડોવરતી એકવીસ કોસે ઓર હોજતી હાથ કોસે બિલાડો ભગવાન ગુરુ મહારાજે પાંડવા ને બિલાડા માતે નિશાન દીધા બટે હું ભેળા ભરા પાલી છે પંદરે મંડો વર્ષે એકવીસ સોજ દુગર સાતે જેટે મળે જગદીશ હવે ભગદાજી પાંડવ રવાને ઉઆએ ગુરુ મહારાજ આપણે તીર્થ ઘાટ રવાને ઉઆએ અર પાંડવ વહેતા વહેતા ગામ રે સૌટે આયા હે હસ્તનાપુર રાય બજાર મેં તોટે આયા જરે મેં સહદેવજી શુકન વિસાર્યા હે કેડા શુકન વે હે અરે સા કરલે કાળી રે કાદલી હમો સજકે હિયાળ કરલે કાળી રે કાદલી હમો સજકે હિયાળ કાળે ઘડે કુંભારણી વળગી વરલાય ડાળ કાળે ઘડે કુંભારણી વળગી વરલાય ડાળ જે કાગલી હમો સજકેયાળ કરલે કાળી રે કાગલી હમો સજકેયાળ કાળે ઘડે કુંભારણી
વળગી વળલાય ડાળ કાળે ઘડે કુંભાર વળગી વળલાય ડાળ જે સગન લીએ ઘર બેઠતા આસન છોડ ક્યાં સુગન લીએ ઘર બેઠતા આસન છોડ ક્યાં જતે સુગન નહીં લીજે હરી શરણ પગ દિયા જતે સુગન નહીં લીજે હરી શરણ પગ દિયા જે સુકન એ સાંદેજી પાંડવા માં સુકન વિસાર્યા હે કેડા સુકન ગુવા હે કે દાવો પાડે કાગલ્યો બોલે ઓર હમે હિયાળ દોળે દન હિયાળ બોલે રહ્યો હે ઓર કાળા રંગ રો ઘરો ઉપાડીને કુંભાર ની હમી આવે ગામ રે સૌટે વડ ઉભો વડરા ડાળા નીચે આયોડા વેતી તકી માતે તો કાળા રંગ રો ઘડો ને વેતી તકી વડલારો પોન તોડ્યો હે સાંદેવજી કહે પાંડવ થોડા ઠેરો અપને સુકન હેડાવે હે બગદાજી સુકન તો કરલો દીવો હે પણ ભાળે જાણે જને વાસ્તે તો હવે સહદેવજી કહે ભાઈ અપન સુકન હેડાવે જો અપને પાછો દરબાર માં આવણો પડ્યો જયારે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર કયો સહદેવજી આપ તો ચાર જુગરી જાણવા વાળા હો પણ અમકે થી ઝૂટા પડો કયો કે અપણે સુરાવીને પગ હમાં રોપ્યા સુરવીર વેન સુરા વેન પગવામાં રોપ્યા જાણો તો ભગવાન ની શરણ મે ને સુકન વળી કેડા ભાલના ક્યું આપણે કોઈ ગઢ ઘેરનો હે કે કોઈ રાજ બીજો રાજ્ય જીતીને પાછો ઘરે આવણો હે જકો આપણને સુકન ભાલના હે સહદેવજી ને કે કોઈ સુકન ની ભાલના આમ કે થી ઝૂટા પડો સહદેવજી કે વાસા આપણે ઝૂટી શોભે આર તો અમે બગદાજી આગે રવા ને ઉવા તો હસ્તનાપુર છોડી શહેર થી બારે આયા એ હરણે મરગા કુદીને પાંડવો રે પગો મે આડ્યા ફરે આડ્યા પડે માર માતે વિન જાણો હોય તો જાઓ ને થાને દુઆ પર યુ બીતે ને કલયુગ રો આવારા ભે લાગો છે પાંડવો હિમાલય જાવ તો મને કોઈ દૂજો દેશ બતાવી ને બતાવે ને જાઓ ખમા મરગા ફલંગે આડ્યા ફરે પંડવા ધરોમતી પાવ દુજા દુઆ જગ વીતો પંડવા દૂજો દેશ બતાવ અરે મરગા ફલંગે આડ્યા ફરે પંડવા ધરોમતી પાવ દુઆ જગ વીતો પંડવા દૂજો દેશ બતાવ જદે જો પાંડવ વણ મર ગયે હરણા ને જો વરદાન દીધો હે કે ભાઈ અમે અહીં કરજો થી ગામ રે પેજ કે તળાવ પીવા મતી આવજો ક્યું કે કલયુગ રા મન કે મેલા વી મંદરા જો પછી થાને પ્રમાર તો કે બાવજી પેજ કે તળાવ પીવા નહીં આવો તો પછી ઉનાળા રે પાણી જરે પાંડવે વરદાન દીધો જાવ રે હરણા થે જંગલ મે જો તર લાગે હમે ઉભાઈ રે ઉભા રહીને હવા પીજો જો થારી તર ફરી મટી ઓમરો વરદાન ખડ ખાજો વા ભકજો જાય વસો વનવાસ મેલા કુળુરા માનવી જોરો મત કરો વિશ્વાસ અરે ખડ ખાજો વા ભકજો જાય વસો વનવાસ મેલા કુળુરા માનવી થારો મારીને ખાશી મોસ બગદાજી હવે હે પાંડવે હસ્તનાપુર છોડે રત્નાવટી નગરી આયા ગામ રો નામ તો રત્નાવટી નગરી હતો પણ કુલ વાણિયો ની વસ્તી હતી જકો વાણિયો ને તો સારી પદવી હે વાણિયો ને શા કે ને જકો પણ ગામ રો નામ શા પૂરા પડ્યો ગામ રો નામ તો રત્નાવટી નગરી હતો પણ વાણિયો ની વસ્તી હતી જકો ગામ ને હેંગ શા પૂરું જ કેતા તો શા પૂરા રે બારે તલાવ રે નીચે વડ ઉભો હે ગેહર ડમર વડ જન વડરી સાયા મે ગયા ને માજી કુંતાજી બોલ્યા રે બેટા પાંડવા થોડો વિશ્રામ લો ઓ તો ભાઈ હિમાલય જાણો ઘણા દનો રો મારે હે ઓ કોઈ ઉતાવળ થી જાણો હે કોઈ જકો જકો કા ભીમ થું જા તલા માં તો ઝારી ભરી ને આવરો ઉલટા દાતણ પર કરા વિશ્રામ રો લિયા પછી ધીરે ધીરે જાણો ઈ છે તો હવે ભીમ ઝારી લઈને તલાવરી પાલ ગીએ સડિયા હે જત્રે શહેર માંથી શ્યાર શેઠાણિયા પાણી ભરવા આઈએ ચારે શેઠાણિયા બેડા ઉપાડવા ને પાણી ભરવા આવીએ જણમે તીન જણી રે તો બેડા ને એક ને માથે જકો બોખો બેડ્યો હે આ તીનો રે શોભતા પહેરીઓડા ને એક જણી રે કશોભતા પહેરીઓડા તીનો રે શણગાર કીધોડા ને એક ને મેલા કપડા હે હવે તીન તો હસી ખુશી મેં હાલે વાત કરે તાળી પીટે ને ચોતોડી ઉમણ દુમણી મને કોઈ બતલાવે કોઈ જરે ભીમ પિસાર કીધો રે તીન અને રૂપ મેં એકલી ઉદાસ કી કરે પણ ઓપોને નહીં બતલાવણ કોઈ જરૂરત નહીં પણ પાંડવો થી ભીમ તો પરોપકારી પાંડવે ગણતરી રહેવાનો કોઈ નહીં જો કઈ ભીમ હું બાઈ ને પૂછે ને પાછો બાઈ ઉને જવાબ પાંડવ પર તમ દે બીજા મર્ત લોકરા અરે જડે કાયારા પાપ ગણ સતિયારા જે પાંડવ ભીમ જો કહે કે બાઈ
ये तो हसी खुशी में थोन रूप में की करे पंडव हिमालय आलिया बंदव सरे बाजार अबला एक उदास में बीजी है मंगला सार जद भीमे ये वाक्य सुन बैंदड़ी एक बात अथारे दल में दो रणियो आ तो बात किया मने तो आ तो गजबरी बात देखी कि आपासी फरी ओवले मारे मनरी पूछवा वालो कौन है क्योंकि मारे दगे दुख नहीं है जरे उन्हें कियो के कल में ऊंगो कल खेजड़ो कल में दिसे नहीं कोई दल में दोरो यूं आणियो कुण मारा मनरी जोई ए वीरा मारा मनरी तो मुं जानो क्यों काल जीए करवत वे आमी स्वामी धार के तो जाने मन मैलड़न के करनी रो सासु सुत विन सासरो सुत के बेटा ने सासु रो सुत ना मने अपनो घरो धणी है जत हावरो सासु सुत विना सासरो ने विना पुत्र परिवार विना बंदवरी बैनड़ी अनोरो जीवनो दीर्घासार एड़ो भैया रे संसार में जीवनो धिकार है जरे भीम हम जी अपरा गांव ने भाई को दे तो जद कह के देख भाई उन्होंने सावन कर्म अपनो नाम हतो आ धर्म नाम तो पांडवी बहन कीधी जरे धर्म पड़ियो नाम कर्म हतो अजरे उन्हें कियो रे भैया ए मारे देराणी जेटोणिया है घरे नलदोरो व्याव है श्यार नलदोरो मोडो रसीवड़ो है जो श्यार जोना आवी तीन तीनों री ममेरा आवी मारे कोई बैंक कौंसली लेने आवा वालो है कोई अत्रो कियो बगदाजी वे पर उपकारी पसे उन्होंने सहन नहीं वे पांडवों ने पराई दुख सहन नहीं वे तो आप रे माते तो भले आपत भले भाकर टूटे नहीं सो पड़ता पर पराई दुख पांडवों ने सहन नहीं वे तो चल भीम विचार की तो है भाई एक थारे गरनारो है तो पानी चौनवारो गरनार में ती डोरो निकाल मारे आतरे एक धागो बोझ के भाई डोरा तो मैं एक बीरे वाले बोझ दिया था अनिस सरवरी पाल जो पास वाले मुड़े देखियो कोई अरे भीम कह रहे एक बीरे बोझ दिया तो एक एक मारी बोझ पर देजे सतरो डोरडो आणी मन अभिलाष थोड़ी मन में नसो राख कर देजे सतरो डोरडो आणी मन अभिलाष कर्मारी धर्मा करूं भीम के थारो नाम कर्म जो धर्म बजावी छोड़ू कर्मारी धर्मा करूं अन सही बाणरी साख थारे मारे बस में सूरज भगवान री साक्षी है आखिर एडो कौन बोलवा वालो जेट ले गरनारो त्राग भीमरे डोरो बोधनो मोडियो देरणिया जेटणिया आगे जाती पासी फरीन बाळे के आकतरा एक भाई करी मदन तो तीन रिया है जन टाइम भीमरे हाथरे डोरो बोधनो मोडियो तो बगदाजी भीम तो पवन रो पुत्र है भीम रो शरीर फूली जवा टूको भीम ने पौरस आई है भीम रो शरीर वधवा लागो जणे हवा भरे नी फुटबॉल में जो शरीर वधवा लगे आ भाई कर्म डोरो बाती विचार करे वो कोई मने कहे कोई देवता है जद भीम के है के धन धन धर्मा बैनड़ी धीने धर्मा थने हम कर्मा जिनो भीम तो धर्मा कहनो मोड़ी धन धन धर्मा बैनड़ी धन पंडवा सत वीर कर सा थारे कौशली कोई पेला भवरो हीर अरे धन धन धर्मा बैनड़ी धन पंडव प्रसंड प्रसंड करने के पड़ा धन धन धर्मा बैनड़ी धन पंडवा प्रसंड कर सा थारे कौशली खबर पड़ी नवखंड भीम पौष में आए कि जाओ भाई ऐसी कौशली को नवखंड में ठा पड़ी के भाई आप गणित जमी बाबरो पहले ही शायद नहीं कहो तो भीम कह रहे तू नेचो राग भाई आए नी किक रहा है तू नेचो राग थारे नलदर वरद है व्याव है कदू को ने देरानी जेटानी ने मामेरा बीजा कदे आई वो दन कह रो मने तो के वरद भाई जे बार ने सोद ने आड़ा तो मलसी जन मजबूरो मु करसु वंदन तैयार भाई तू होश क्यों करे जेड़ो मने मली जेड़ो हागी दिन आवे मु तैयार वो वरद भाई रे बार ने सोद ने आड़ा श्यार मलसी जन मजबूरो पण करसु वंदन अयो करी डोरो बंदावी वे जाइन बेड़ा भरवा ढुकीए और भीम आपरे एक ओगट घाट ऊपर जाइने जको आपरे जको जारी मौजिन भरवा लगा ओगट घाट ऊपर एकन पाड़े ओगट घाट पर जाई आपरी झारी प्री मौजे सोने प्री भरे अटी ने बाई जको वा कर्मा आपरो बेड़ो मौजवा लगी है उन टाइम है बार बार है जो भीम भाई कर्मा विचार करे भाई किदा पण नाम ठोम कटारा है कौ बात है कोई राजवर्गी है अटी ने भीम पण विचार करे भाई ने नाम ठोम पूछियो कोन पीरिया हावरिया रो कोन नाम पूछियो कोन बार बार मन में पूछवारी उमंग वेरी है जतरे बाई कर्मा जो है और भीम ने पूछे है
ભીમ પાછો ઉત્તર દે ને પાછો એ જ કર્મ ને પૂછે. જદે ભીમ પુરે બાઈ કર્મ ભીમ ને પૂછે, રાજ કટારા રાજવી કોઈ થારો નામ, હિમાલા દશ હાલિયા કયો થારો ગોમ. અરે રાજ કટારા રાજવી કોઈ થારો નામ, હિમાલા દશ હાલિયા કયો થારો ગોમ. જદે ભીમ પાછો કહે, અરે પંડુ રાજા રે ઉપના ઓ નરપત ભીમો નામ. ભાઈ પાંડવો મેં ભીમ નામ સાંભળ્યું હોય તો મારું જ નામ હે. હા પાંડવ જો હે રાજા પંડુરા પુત્ર પાંડવે જણાવ ઓ ભીમ કે જ હું છું. આય પંડુ રાજા ઉપના નરપત ભીમો નામ, અરે હિમાલા દેશ હાલિયા ઓ ગઢ હસનાપુર ગામ. પણ હું તો થોડો માને મમી પૂછું કે જવાબ દે. અરે કઈ આ શેઠની દીકરી કાવણ થારો નામ, કરશા ધારે કોસલી રૂડી કરશી રામ. માઉ તો કોઈ વે કોન કરી તો ભગવાન, પણ તું નામ ઠામ તો બતાવ કરની દીકરી હે કઉ બાત હે.